नभ स्पृशम दीप्तम ध्येय वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है। सुरक्षा चौकसी और युद्ध तीनों ही मोर्चे पर वायुसेना ने साबित किया है कि वह किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहती है। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिन और भी खास होगा क्योंकि पहली बार वायुसेना दिवस की परेड में दुश्मनों की नींद उड़ाने वाले राफेल विमान शामिल होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप हैं क्वेरा प्लेस पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुसेना दिवस के बारे में सब कुछ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ब्रिटिश काल में आजादी से पूर्व इसे रॉयल इंडियन फोर्स के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। वायुसेना ने अब तक कई युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाई है। भारतीय वायुसेना में 5 कमानें हैं। पश्चिमी कमान, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, प्रयागराज में केंद्रीय कमान, शिलांग में पूर्वी कमान, जोधपुर में दक्षिणी पश्चिमी कमान और तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी कमान है। ये पांचों कमानें अपने प्रशासनिक विभागों की सहायता से लगभग 20 हेलीकॉप्टर इकाइयों, 45 अस्थाई विंग स्क्वाड्रन और अन्य कई भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्क्वाड्रनों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती हैं। लगभग 1700 वायुयानों की देखभाल के लिए लगभग 1,20,000 कर्मी लगे हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल माने ACM एक 4-सितारा कमांडर है और वायुसेना का नेतृत्व करते हैं। भारतीय वायुसेना में किसी भी समय एक से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में कभी नहीं होते। आजादी से पहले वायुसेना पर आर्मी का नियंत्रण होता था। एयरफोर्स को आर्मी से आजाद करने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्ट को जाता है। आजादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे थे। भारत के सभी सेनाओं का अपना एक आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पृशम दीप्तम। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और यह महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। दोस्तों, हाल ही में शामिल राफेल विमान इस बार के वायुसेना दिवस परेड में हिस्सा लेगा। चलते चलते दोस्तों 8 अक्टूबर को शामिल होने वाले राफेल विमान की कुछ खूबियों के बारे में बता दें। ये 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दोहरे इंजन ओमनी रोल के साथ हवाई टूही सटीकता के सेवा जहाज रोधी और परमाणु संयंत्र हथियारों से लैस है। वायुसेना में औपचारिक रूप से 10 सितम्बर को 5 राफेल लड़ाकू विमान शामिल किए गए थे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑन कर दें। और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।